करें सर जी। क्वेश्चन नंबर 73 बराबर दिखेगा। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एसीपी, वो आपसे मांग रहा है। इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। पहले फॉर्मूला जाते लिखिए 73 का। आइए फटाफट हेडिंग दीजिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या था आप बताइए? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज टीआर। प्रॉपर लिखिए, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज टीआर। इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं सर। टोटल रेवेन्यू दी हुई है जी लास्ट ईयर ऑफ ईयर की 84। अच्छा जी, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या था? बी 20% है। किसका जल्दी बोलेगा? क्रेडिट का। अब बड़ी दिक्कत आने वाली है, अब हमें नहीं पता क्रेडिट कितनी है। आगे चलिए, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने दिए हुए हैं? 60। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग टीआर ओवर ओपनिंग कितने हैं? 30। चलो इससे तो मैं अपना क्लोजिंग टीआर निकाल सकता हूँ। कैसे? ओपनिंग अगर 60 है, कहता है क्लोजिंग, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग ज्यादा है 30 किससे? ओपनिंग से। तो आप बोल सकते हैं तो क्लोजिंग टीआर कितने बन जाएंगे सर? 90। तो ये तो चलो हो जाएगा, 90 और 16 दोनों की एवरेज भी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेन मुझे चाहिए आपसे क्रेडिट सेल्स। तो आप लिखेंगे क्या पहले? तो यहाँ पे टोटल सेल्स इक्वल्स टू होता क्या है? कैश सेल्स प्लस क्या होता है? क्रेडिट सेल्स। ये आपको पता होना चाहिए पहली बात। तो टोटल सेल्स भाई साहब उसने हमें दिया हुआ है कितना जल्दी बोलेगा? 480। कैश सेल्स वो बोल रहा है 20%, नोट करिएगा 20%। बट ध्यान देने वाली बात है, वो किसका बोल रहा है? क्रेडिट सेल्स का। तो क्रेडिट सेल अपने आप में कितने परसेंट होगी? 100। आप किसी भी चीज का परसेंटेज करते हैं तो अपने आप में कितने परसेंट होगी? 100। तो इसको आप ग्रॉस सेल कर सकते हैं। तो आप निकाल सकते हैं इसको, 480 डिवाइड बाय 120%। इसको सॉल्व करके मुझे बताइए कितना आ रहा है? 480 इंटू 100 डिवाइड बाय 120, तो कितना आ रहा है जी? 4 लाख। तो ये जो 4 लाख आया, ये आपकी कौन सी सेल है? जल्दी बोलिएगा, क्रेडिट सेल्स। नोट दैट, ये आपकी क्रेडिट सेल है। क्योंकि 20 और 100, रिमेंबर दैट, जब भी किसी की परसेंटेज बोली जाए तो वो परसेंटेज 100 है, दूसरा 20 है। अगर मैं यहां बोल देता 20% कैश से टोटल का है, तो यहाँ क्रेडिट कितना आ जाता फिर? 80। फिर तो बात बन गई थी, तभी ठीक था। तो इस अकॉर्डिंग से करना पड़ेगा। अब क्रेडिट सेल आ गया। अब आ जाए जी ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, कितना दिया हुआ है? 60। और भाई साहब ने हमें क्या कहा था? क्लोजिंग टी आर एक्सेस है 30,000, तो ये कितने हो गए? 90। तो आप एवरेज टी आर मुझे यहां बोल सकती हैं 60 प्लस 90 डिवाइड बाय 2, तो यहां कितना आ रहा है? 150 डिवाइड बाय 2, इट्स अ 75,000। और क्रेडिट सेल आपका ऊपर आ गया दक्षित, कितना आया था? 4 लाख डिवाइड बाय 75,000। बताइए कितना आ रहा है? 4 लाख डिवाइड बाय 75,000 कितना आ रहा है? 5.33। ठीक है जी, बुक से 5.33 टाइम्स लिख लीजिए प्रॉफिट, 5.33 टाइम्स। डन हो गया। इसी के नीचे जाके अपन हेडिंग देते हैं एसीपी, एवरेज कलेक्शन पीरियड, डेज या मंथ इन अ ईयर डिवाइड बाय टी आर, टी आर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। लिखिए बड़ा ले दिया। तो डेज आप कितने मांग के चल रही हैं? 365 डिवाइड बाय 5.33 कितना रहा है? किसने किया हुआ? 64। तो आप 68 डेज बोल देंगे यहाँ पे, तो 68 डेज कर सकते हैं जी। वो मंथ में आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग जो भी आपका आएगा वो मंथ आ जाएगा, एग्जैक्ट डेज में जाता है। मंथ में तो कहते हैं जो राउंड ऑफ हो जाए, 2 3 4 ऐसा हो, फैक्टर डिवाइड करके 2 3 मंथ्स आ जाए, ऐसे ये चीज है। आयुष, अक्षय, मुस्कान, हो गया। चलिए 73 आपका डन है। 79 अप्लाई करिए। कैलकुलेट ओपनिंग टी आर एंड क्लोजिंग टी आर आपसे मांग रहा है। इंफॉर्मेशन बड़ी मिक्सअप है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है 9 लाख। जीपी गलती ना करना, किस पे है? किस पे है? सेल्स पे 25%। और कैश रेवेन्यू दिया हुआ है 20%, किसका जल्दी बोलो? फिर वही बात, क्रेडिट का। और टी आर दिए हुए कितने टाइम्स?
फाइव टाइम क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या था वर्थ थ्री टाइम्स देन दैट इन द बिगनिंग, अगर ओपनिंग एक्स है तो क्लोजिंग 3x है उसको अकॉर्डिंग। तो पहला मेरा काम तो आपसे क्या है, नंबर लिखिए क्वेश्चन नंबर, और जाते ही आयुष पहले काम क्या करना होता है हमारा, फॉर्मूला, ये पक्का एक रूटीन है, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज टीआर, ये तो पक्का एक रूटीन मान लीजिए, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज टीआर, सब काम बाद में होंगे। टीआर टीआर में अगर मैं आपसे, मैं थोड़ी स्पेस छोड़ रहा हूं, टीआर टीआर आपको शायद करना दिया हुआ है, कितना जे फाइव टाइम इक्वल्स टू एवरेज, तो तू निकालेगा भाई तभी तो ओपनिंग क्लोजिंग आएंगे, मुझे नेट क्रेडिट सेल चाहिए। तो मेरा पहला रिक्वायरमेंट आपसे क्या है, याद रखना नेट क्रेडिट सेल्स, और मेरी भाषा में नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस क्या कैश सेल्स, मेरी लैंग्वेज में कोई टोटल होता है कैश प्लस क्रेडिट। तो इससे पहले सारी लड़ाई शुरू करें, पहले ये तो बता दो टोटल सेल्स कैसे आएगा, तो लिखिएगा टोटल सेल्स, हमें कॉग्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके अंदर अगर हम क्या ऐड कर दें जीपी, कॉग्स कितना दिया है चेक करना, करना कॉग्स 9 लाख, बट जीपी तुझे कितना दिया हुआ है जल्दी बोल, 25% ऑफ रहे किसका सेल्स का, इसको आप तोड़ सकते हैं, 25 मतलब कितना होता है 1/4, तो कॉस्ट का कितना होएगा 1/3, तो 9 लाख का 1/3 कितना हुआ जल्दी बोलिएगा, 3 लाख, तो आपका टोटल सेल्स आ गया पहली बात तो 12 लाख, ज्यादा समझे मुस्कान, समझ आया, 25% ऑफ सेल्स 1/4 ऑफ सेल, तो कॉस्ट का 1/3, तो 9 लाख का 1/3 इट्स अ 3 लाख, ये जीपी है, और कॉस्ट और जीपी ऐड करेंगे तो क्या जाएगा सेल्स, बट फिर वही फॉर्मूला टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्या जल्दी बोलिएगा क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स कितनी है मुस्कान 12 लाख, कैश उसने तुझे कहा 20 है किसका जल्दी बोलिएगा ऑफ क्रेडिट का, तो क्रेडिट अपने आप में कितनी होगी कनफ 100, तो आप क्रेडिट सेल अलग से निकाल सकते हैं 12 लाख अपने आप में 120% है, तो 100% कितना होगा, ऐसे कटिंग करके मुझे बताइए कितना आ रहा है, मे बी इट्स अ 10 लाख, बताइए इट्स अ 10 लाख, यहां तक डाउट है बताइए, अच्छी आ गया क्रेडिट सेल्स, कोई नहीं समझ आया तो बता, स्टार्टिंग से चलते हैं एक बार बोल, कोई यहां से डाउट हो, नेट क्रेडिट सेल टोटल सेल माइनस कैसे क्या है, तुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ 9 लाख, जीपी ऐड करके टोटल सेल आ गया, टोटल सेल में कैश और क्रेडिट का कंपोनेंट आपको पता है, तो क्रेडिट कंपोनेंट आ गया, मैं यहां फिट कर लेता हूं आपके यहाँ पे, जरूरत थी मुझे क्या चीज की 10 लाख की, आई थिंक सो, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाएगा जल्दी बोलिए, एवरेज टीआर आ जाएगा कितने भी बता सकते हो 2 लाख, देखिए 10 लाख डिवाइड बाय 5 करके आपका एवरेज टीआर आ गया मुस्कान कितने रुपए 2 लाख, यहां तक डाउट था ना, हो गया मुस्कान लास्ट में, अब आ जाइए यहाँ पे एवरेज टीआर का भी अपने आप में फॉर्मूला है, ओपनिंग टीआर प्लस क्या है क्लोजिंग टीआर डिवाइड बाय 2, एवरेज कितनी थी यूश 2 लाख, उसने कहा था क्लोजिंग टीआर वर्थ 3 टाइम्स देन दैट इज द बिगिनिंग, अगर ये एक्स है तो ये भाई साहब क्या थे 3x डिवाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 × 2 कितना हो जाएगा जोड़ेगा 4, ये क्या हो जाएगा 4x, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए 4 लाख डिवाइड बाय 4 इट्स अ 1 लाख, और आपने ओपनिंग टीआर को क्या नाम दिया था एक्स दिया था, तो ओपनिंग टीआर इज 1 लाख, और क्लोजिंग टीआर को क्या दिया था 3x इट्स अ 3 लाख, चेक करिए 1 लाख और 3 लाख, देखिए फटाफट क्लियर आपके सामने सर, कोई डाउट है बताइए, क्लियर है यूश अक्षित डन है, चलो 79 लो 80 आप ट्राई करिए, क्लोजिंग टीआर निकालिए जल्दी ट्राई करिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए आपसे, अपना अपना करके मुझे बताइए आंसर क्या अल्ट्रा आपके पास है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया हुआ है अपने को सेम वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16 लाख,
जीपी ऑन कॉस्ट है, बट दिस टाइम जीपी ऑलरेडी हम कॉस्ट पे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये 80, आपको कॉग्स दिया हुआ है 16 लाख, जीपी पे ऑन कॉस्ट है 25%, तो 16 लाख का 25% कितना हो जाएगा जी, 4 लाख। आपका सेल्स आ जाएगा कॉग्स प्लस क्या करके जीपी, कॉग्स था 16 लाख, जीपी था 4 लाख, तो सेल्स आ गया 20 लाख। देखिएगा कैश कहता 25% है क्रेडिट का और टाइम्स है 5, तो वही पे पहली बात तो वही टोटल सेल्स का कंसेप्ट, टोटल सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स कितनी है कहना अपनी, ये 20 लाख है, कैश उसने कहा 25 है, किसका बटन क्रेडिट का, फिर भी गड़बड़ ना हो जाए तो क्रेडिट कितनी बनेगा 100, टोटल हो गया 125%, पर हमें अक्षित कौन सी सेल चाहिए, क्रेडिट सेल, तो 20 लाख डिवाइड बाय टोटल अपने आप में कितना है 125, हमें 100 चाहिए, तो कितना आ रहा है करा हमने, कितना आ रहा है 16 ही आ रहा है करके 16 लाख, ये आ गई आपकी क्रेडिट सेल। और आपका फॉर्मूला है TRTR का, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज TR, यहाँ पे 5 है इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल कितना था 16 लाख डिवाइड बाय एवरेज TR, तो इससे आपका एवरेज आ गया होगा 320। चेक करिएगा एवरेज 320, उसने कहा था क्लोजिंग TR जो है 1.5 टाइम्स दैट है इन द बिगनिंग क्लोजिंग, तो वही फॉर्मूला एवरेज TR equals to opening TR plus closing TR divided by 2, average 320 है, opening अगर x है तो ये 1.5 x है तो यहाँ ही आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, 640 equals to 2x sorry 2.5x और x की value 640 divided by 2.5, ये कितना आ रहा है डिवाइड करता ना 640 डिवाइड बाय 256, ये एक्स की वैल्यू है, तो ओपनिंग TR तो आपका आ गया जी 256, क्लोजिंग TR कितना आ जाएगा 384। देखिए सर ये आपका आ गया क्लोजिंग TR, याद है डाउट बताइए, डन सर, लो 83 आपका मिक्सअप है, टीपी TR का ज्यादा अच्छा नहीं होता क्वेश्चन, छोटा सा होता है, तो ये रहा टीपी TR और एपीपी एवरेज पेमेंट रेट, 80 कौन सा नंबर है 83, टीपी TR तो फॉर्मूला नेट क्रेडिट क्या लिखेंगे परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज टीपी, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज टीपी, देखिएगा नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज टीपी, तो पढ़िए टोटल परचेज दिया हुआ है 24 लाख, कैश परचेज दिया 640, शायद से आपका क्रेडिट परचेज आ जाएगा नॉर्मली, परचेज रिटर्न भी है तो माइनस करना पड़ेगा इसमें से, डन है, ओपनिंग ये सब दिए हुए हैं, इन सब की कन ऑफ क्या हो जाएगी एवरेज, ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बीपी नॉर्मली, तो पहले लिख सकते हैं टोटल परचेज इक्वल्स टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, टोटल परचेज 24 है, कैश परचेज कितनी है
कितना आया जी क्रेडिट परचेजेस? 1760 आ रहा है। माइनस रिटर्न्स भी कर दीजिए, रिटर्न्स कितने की थी? 60। कितना बचा? 17। ये आपका आएगा नेट क्रेडिट परचेजेस, ये आपका आएगा नेट क्रेडिट परचेजेस। और नेक्स्ट स्टेप था आपका ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग बीपी। तो करिए एड लेस क्या है, 3 लाख प्लस 20 एवरेज कह रहे हो, 350 प्लस 10। थ्री फोर्टी 320। ओके कितना कह रहे हो आप? 340। ये एवरेज टीपी हो गया, नेट क्रेडिट परचेज मैंने ऊपर लिख दिया तो 7 लाख डिवाइड बाय 340 कितना आ गया? 5 टाइम्स। हाँ जी, तो टीपी टीआर आपका आ गया 5 टाइम्स, समझिएगा पहली बार क्वेश्चन किया इसका। और एपीपी एवरेज पेमेंट पीरियड डेज या मंथ इन अ ईयर डिवाइड बाय टीपी टीआर, 365 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितने दिन आ गया? 73 डेज। देखिए बराबर 73 डेज, डाउट है तो यहां तक डन हो गया। डेज या मंथ इन ईयर डिवाइड बाय टीपी टी आर, 365 डिवाइड बाय 5 किया तो 73 डेज। कनेक्ट कर लिया, लो जी लेक्स करिए। डब्ल्यू सी टी आर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ध्यान दीजिएगा इसके बाद तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाएंगे। यहां ध्यान दीजिएगा डब्ल्यू सी टी आर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, 80 कौन सा नंबर है? 90। हेडिंग दीजिए पहले तो, मेरे अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला है नेट सेल्स। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, अगर नेट सेल्स ना मिले तो क्या चला देना? कॉग्स। नेट सेल्स अगर ना हुआ तो अपन कॉग्स भी यूज कर सकते हैं, नेट सेल्स अगर ना हुआ तो अपन कॉग्स भी यूज कर सकते हैं। डिवाइड बाय क्या चलता है? वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, नेट सेल्स या कॉग्स डिवाइड बाय क्या? वर्किंग कैपिटल। अब पहला काम तो अपन नेट सेल्स का ही कर लेते हैं। मैं कह, हमें कॉस्ट दी हुई है ध्यान देना 12 लाख, और जीपी है 20% किसका? सेल्स का, गलती ना हो जाए, ये कॉस्ट है पूरे सेल्स का है। तो इससे तो पहले इन दो स्टेप से तो आपकी क्या आ जाएगी? सेल्स आ जाएगी। नीचे वाले पॉइंट से आपको क्या चाहिए होगा मुझे बताओ? वर्किंग कैपिटल। बड़ा अजीब तरीके से आएगा, कैसे मैं बताता हूँ मैं आपको, पहले मुझे आप नेट सेल्स बताइए। देखिए फॉर्मूला, नेट सेल्स प्लस क्या आएगा? कॉग्स प्लस जीपी। कॉग्स कितना दिया हुआ है मुझे देखिए भाई, कॉग्स 12 लाख, जीपी कितने परसेंट है जी? 20% है सेल्स का, 20% सेल्स का, तो कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे? 25% का कॉस्ट हो जाएगा, 1/4, 1/5 है ऐसे बोल देता हूँ मैं, 1/5, तो कॉस्ट का 1/4 बैक आएंगे, तो 12 लाख का 1/4 कितना होता है? 12 लाख का 1/4 3 लाख, तो 12 प्लस 3 कितने होंगे पहले ये बताओ मुझे? 12 प्लस 3 इट्स अ 15। ये तो आ गया ऊपर आपका नेट सेल, चलो ये तो यहाँ फिट हो गया नेट सेल, ये तो यहाँ फिट हो गया, डन है 15 लाख रुपए डन हो गया। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए जैसी इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो हमें अपना टाइम नहीं खराब करना चाहिए, आप अपनी छोटी सी क्या तैयार कर लेते हैं सर,
बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। तो शुरू करवाइए लाइबिलिटी में, पहले आप लिखते हैं क्या क्या था। इक्विटी, डेट, करंट लाइबिलिटी या एनसीए और सीए, ये आपका एक फॉर्मेट है रफली सा, मैंने थोड़ा सा बनाया, देखो पहले डन है, चलिए शुरू करें। आइए, शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस आप जानते हैं तीनों किसका पार्ट है, इक्विटी का। 5 और 1.5, 650 और लॉस है 20, तो कितना 630। ये तो बन गया आपका इक्विटी, चेक करिए जल्दी। और लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये एक पार्ट है, 1, 40 और 50 कितने हो गए, 1, 90, ये हो गया। और नॉन करंट एसेट्स एक पार्ट है, कितने का है, अब ये ना कहना करंट लाइबिलिटी कैसे आएगी, तो निल हो जाएगी, निल मतलब ये कई बार नेट करंट एसेट लिख देते हैं वर्ड, करंट एसेट माइनस ऐसे करके इधर आ जाएगा वर्ड, यहां से हट जाएगा इस वजह से। तो टोटल कितना आ रहा है बताइए, 6, 30 और 1, 90, 820 में से 420 आप मुझे पहले ही बोल रही हैं, क्या चीज है, एनसीए। तो करंट एसेट कितना होगा उसका, 4 लाख। तो ये अपने आप में नेट ही है, करंट लाइबिलिटी माइनस करके ही आया होगा, जैसा भी क्या होगा, तो इट्स अ 4 लाख। देखिए यहां तक डन हुआ, वापस आइए क्वेश्चन में फिट कर देते हैं अपना, 15 लाख डिवाइड बाय 4 लाख बताइए कितना आ गया, 15 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, 3.7। टर्नओवर है टाइम्स में आएगा, टर्नओवर है टाइम्स में आएगा, 3.75 टाइम्स, 3.75 टाइम्स। देखिए जल्दी, कोई डाउट है तो बताइए, कैसे सेल्स निकाली, कैसे वर्किंग कैपिटल निकाला, अदरवाइज बहुत फॉर्मूले लग जाते हैं, गलत हो जाता, तो ध्यान से समझिए। चलिए डन हो गया, सही गया। नेक्स्ट आइएगा 92A, कौन सी रेशो आती है बताइए मुझे, थोड़ा सा मिक्सअप चलेगा, कौन सी रेशो यदि बोलेगा, जीपी रेशो, तो लिखिएगा 92A फॉर्मूला लिखिए, जीपी अपॉन क्या आएगा उस्मान, नेट सेल्स इनटू 100, रिमेंबर दैट, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और जीपी निकालने का तरीका आप बेटर जानते हैं, नेट सेल माइनस क्या, कॉग्स, जीपी निकालने का तरीका नेट सेल माइनस क्या, कॉग्स। और मेन चीज जो स्टार मार्क करने वाली है वो है कॉग्स का फॉर्मूला, तो यहां तो फिर मुझे बड़ा ही चलाना पड़ेगा, वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या है, नेट परचेजेस प्लस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, ये चलाना पड़ेगा मुझे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बाकी तो सिर्फ ओरली फॉर्मूला हो जाएगा, और इसके आंसर जो भी आएंगे किसमें आएंगे, इन परसेंटेज। देखिए प्रॉपर्टी क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्री भी दी हुई है, क्लोजिंग एंट्री भी है, परचेज भी है, रिटर्न्स आउटवर्ड कौन सी होती है, हाँ जी रिटर्न्स आउटवर्ड कौन सी होती है, परचेज रिटर्न, वेजेस भी है, डायरेक्ट एक्सपेंस, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स भी है, रिटर्न्स इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, मतलब पूरा अच्छा खासा फॉर्मूला बनेगा अगर आप बनाएंगे तो। ध्यान से पहले कॉस्ट निकालिए, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला सामने ही पड़ा, लिख ही देते हैं, ओपनिंग स्टॉक कितना है प्लस परचेजेस कितनी है 710, और 10,000 की क्या है रिटर्न्स, ऐसे दिखा देते हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में चेक करिए कौन है, वेजेस
80,000, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक में कितना है? 60, 7, नेट 760 आ जाएगा सारा करके, 760। तो एक लाइन में पहले आप ये भी कर ही लीजिए प्लग याद, नेट सेल्स क्या होता है, टोटल सेल्स माइनस क्या होता है, रिटर्न्स इनवर्ट्स। टोटल सेल कितना दिया थी बोलिए, 345 प्लस 630 माइनस 25, 320, 950 आ गया ये नेट सेल्स आ गया, और कॉस्ट आपका यहां पे आ गया था। तो आप जीपी लिख सकते हैं 950 माइनस कितना रजे, 760 कितना रहे, 190। आयुष 190 आपका आ गया मुस्कान जीपी, और जीपी रेशो के लिए तुझे जीपी चाहिए था रजे 190 200 डिवाइड बाय सेल्स कितना करेगा, 950, इट्स अ 20%। चेक करिएगा कहाँ से क्वेश्चन चलना है और किस तरह से खुलना है, एवरीथिंग आपको क्लियर होना चाहिए, क्या प्लस किया क्या माइनस किया कैसे किया, मतलब वो पता होना चाहिए। यहाँ तक डाउट बताइए, अक्षित मुस्कान डन जी हो गया डन। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए अपने, 92B ट्राई कीजिए और 93 आज आप यहां तक ही कवर करेंगे, 94 तक। ये तीन क्वेश्चंस करिए और फिर फ्री करते हैं, ये तीन क्वेश्चंस करिए, 92B ट्राई कीजिए अपना अपना सेल्फ। 92B में दिया क्या हुआ, जीपी निकालना है, कैश रेवेन्यू 420 है, क्रेडिट कितना है 6 लाख, दोनों टोटल कर दिया और रिटर्न्स भी दी हुई है, सॉरी 20, 420 और 6 लाख, 1020 माइनस 20 करके आपका नेट सेल्स आ गया सर 10 लाख, और कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है 7.5, तो सीधा जीपी आ जाएगा माइनस करने के बाद कितना, 2.5 लाख, और 2.5 लाख 10 लाख के अकॉर्डिंग कितने परसेंट है जी, 25%। तो रिमेंबर दैट, बड़ा क्लियर करता सिस्टम। 93 जीपी निकालना है, बट दिया क्या हुआ आपको यहाँ पे, एनपी ऑफिस एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस और रेवेन्यू दिया हुआ है, तो करने का तरीका आपने कैसे किया, इसको ऐड बैक करके, खर्चे दिए हुए हैं एनपी के बैक चले जाइए, तो एनपी कैसे आया होगा, ये खर्चे माइनस करने के बाद, अगर यही खर्चे इन दोनों में मैं क्या कर दूं ऐड, इससे मेरा क्या आ जाएगा जीपी, तो 40 प्लस 20 प्लस 36, बिल्कुल सही कह रहे हो, 96,200 डिवाइड बाय मेरी सेल्स क्या है 6 लाख, इट्स अ 16%। वो मुस्कान ये डन है, ओके है। और नेक्स्ट है 94, ये हो गया, जल्दी बोलिए डन, लो करिए खत्म इसको भी, लास्ट करिए फिनिश करते हैं। कैलकुलेट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, क्रेडिट है 240, कैश रेवेन्यू क्या था 20 है, किसका जल्दी बोलिएगा, टोटल का, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्लियर होगा बिल्कुल सही। तो ये अपने आप में कितने परसेंट हुआ, 80, ये क्रॉस ऑफ करने का तरीका, अगर कैश 20 है टोटल का, क्रेडिट हमें दिया हुआ तो क्रेडिट अपने आप में कितना होगा 80, तो 240 डिवाइड बाय 80% करके इसको सॉल्व करिए, कितना रहता ना मुझे शायद 3 लाख बताइए, तो 3 मुझे टोटली चाहिए था, ओके। परचेज दी हुई है 220, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्या, मींस दैट ओपनिंग ज्यादा है, ओपनिंग ज्यादा तो खर्चा हुआ, तो बी दो 20 और 14 कितने हो गए जल्दी बोलिएगा, 2/34, ये हमारी एक तरह की क्या बन जाएगी जल्दी बोलिएगा, कॉस्ट 2/34, 3 लाख में से 2/34 माइनस करिए, तो जीपी कितना आ रहा रजे, 66,000, और आपकी सेल्स कितनी है 3 लाख × 200, तो साथ में चल ही रहा कितना आ गया जी, 22%। मेन पॉइंट ये एक्सेस वाला पॉइंट था, देख लेना, लास्ट पेज आपका रह जाएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करके, 3-4 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं रखे मैंने,
फिनिश करके फिर अगला पूछता है या रिविजन्स एक और रख लेंगे विदाउट जी। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।